भोगांव क्षेत्र से एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। भोगांव क्षेत्र में लगे एक बैंक के एटीएम से 2000 रुपए अधिक राशि निकाले जाने का मामला सामने आया। एटीएम में एक कलेक्शन पर 2000 रुपए अधिक धनराशि निकाली जा रही थी। इस बात की जानकारी जब लोगों को हुई तो इस एटीएम पर निकासी करने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी बैंक मैनेजर को लगी, तत्काल बैंक मैनेजर ने एटीएम को बंद कराया और इस पूरे प्रकरण की सूचना आरबीआई को दी, जिसके बाद आरबीआई ने क्या किया है, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। आरएस पेट्रोल पंप के निकट दलोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी शाखा पर एक एटीएम लगा हुआ है। 27 सितंबर को तकनीकी कमी आ जाने के कारण एटीएम द्वारा प्रति कलेक्शन पर 2000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल रहा था, जिसकी सूचना नगर के लोगों को हुई तो रुपया निकालने वालों में अफरा तफरी हो गई। जब इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक को हुई तो शाखा प्रबंधक राशिद सिद्दीकी ने एटीएम को तत्काल बंद कराया और सूचना आरबीआई को भेजी, जिसके बाद आरबीआई द्वारा खाता धारकों की फोटो और डिटेल शाखा को भेजते हुए सभी से पैसे वापस कराने के निर्देश जारी किए गए। तो बैंक शाखा प्रबंधक की ओर से अधिक पैसे निकालने वाले ग्राहकों से रिकवरी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस को भी प्रार्थना पत्र दिया गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी। एटीएम में तकनीकी खराबी 27 सितंबर के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रही, जिसके चलते कुल 192 लोगों ने एटीएम से पैसे निकाले थे, जिनको एटीएम द्वारा प्रति कलेक्शन पर 2000 रुपए अधिक प्राप्त हुए थे। शाखा प्रबंधक राशि सिद्दीकी द्वारा कर्मचारियों को रिकवरी के लिए खाताधारकों के यहाँ पैसा भेजा जा रहा है। आरबीआई के दिशा निर्देश पर निश्चित समय तक रिकवरी कराने के आदेश दिए गए हैं। समय पर रिकवरी का पैसा जमा न होने पर कानूनी कार्रवाई भी किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। शाखा प्रबंधक ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। 27 तारीख को लक एटीएम द्वारा तकनीकी खराबी कारण जो अमाउंट ज्यादा गया था तो उसकी कितनी रिकवरी हो चुकी, कितने लोगों द्वारा की गई? 27 तारीख को तकनीकी खराबी के कारण हमारे एटीएम से 192 ट्रांजेक्शन किए गए थे, जिसमें 384,000 अमाउंट ज्यादा गया। प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे 2000 रुपए लोगों को प्राप्त हुए। उसकी रिकवरी 28 तारीख से शुरू हुआ, 32 लोगों के द्वारा 64 ट्रांजेक्शन का 124,400 रुपए प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना न्यूज पेपर और अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों के संपर्क किया है, उसके माध्यम से लोगों को पहुंचाई गई है, जिससे लोग ब्रांच पे आके रिकवरी कराकर कंप्लीट किया है। और जो जैसे जिनके पास सूचना नहीं है उन तक कैसे सूचना पहुंच रही है? आरबीआई के द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पे उनके मोबाइल नंबर से उनको अवगत कराया जा रहा है ब्रांच के स्टाफ के द्वारा। वो लोग आ रहे हैं, जो लोग असमर्थ हैं आने में उनको स्टाफ को भेजा जा रहा है उन तक, और रिकवरी चालू है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख का समय दिया गया है। तो सुना आपने, शाखा प्रबंधक द्वारा बताया गया है कि लोगों को जब जानकारी हुई तो लोगों की ओर से एटीएम द्वारा निकाले गए एक्स्ट्रा पेमेंट को भी जमा कराया गया, जिसका टोटल अमाउंट 121,400 रुपए हुआ है।